तो जुजुत्सु कैसे चैप्टर 241 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर ने पूरी तरीके से टागाबा के ऊपर फोकस करा गया है और हम सबको लग रहा है इस चैप्टर के अंदर बस टागाबा की फाइट को दिखाया जाएगा। हमें इस चैप्टर ने टागाबा के पार्ट को लेकर दिखाया गया कि आखिर वो कॉमेडियन क्यों बनना चाहता था। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते जुजुत्सु कैसे चैप्टर 241 के स्पॉयलर्स की ओर। तो चैप्टर की शुरुआत होती है टागाबा के फ्लैशबैक से और ये वो डेज होते जब टागाबा उसकी यूनिवर्सिटी में हुआ करता था और जहाँ पे टागा बॉस का दोस्त रिहर्सल कर रहे होते एक शो के लिए। मगर टागा बॉस के दोस्त के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट आया होता है और उन्हें एक शो को परफॉर्म करना है। मगर दिक्कत ये होती कि टागा अपनी लाइंस को सही से बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि टागा ने अपने लाइंस को सही से याद नहीं करा होता है। और फिर एकदम से टागा बॉस का फ्रेंड एकदम से टागा बॉस से माफी मांग रहा होता है और फिर टागा बॉस को रिप्लाई में बोलता है सॉरी मत बोलो रिहर्सल को और बेटर करो। और फिर ये सुनने के बाद टागा बॉस का फ्रेंड टागा बॉस को चिल्लाने लगता है। वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत अनफ्रेंडली से लगते हो। और फिर ये सुनने के बाद टाकाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ब्लेम करने लगता है तुम्हें लेट आने जगह हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए और हम सिर्फ साल में 2 ही बार प्रैक्टिस करते हो ये जोक्स कम्प्लीटली रीयूज जोक्स है। और फिर टाकाबा उसके दोस्त को एक मुक्का जड़ देता है। उसका दोस्त बोलता है तुम जलो ना क्योंकि तुम लड़कियों के अराउंड पॉपुलर नहीं हो। और फिर टाकाबा बोलता है मजाक करना बंद करो हमें हमारी कॉमेडी के लिए कम्प्लीटली सीरियस हो जाना चाहिए। और फिर टाकाबा का दोस्त बोलता है हम हमारे जोक्स तक खुद नहीं हंस पा रहे तो ऑडियंस क्या हंसेगी। और फिर हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है टाकाबा को एक लेटर दिखता है जहां पर उसके शो को लेकर उसके अंदर कमेंट्स लिखे होते हैं और उन कमेंट्स में से एक कमेंट में लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस एक्ट से पहले मर जाओ। और जहाँ पे उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे हो ये बोल रहे थे कि ये तो इम्पॉसिबल है कि जो तुम जोक्स मारो और वो फनी हो। और फिर सीन चेंज होता है टाकाबा का फ्रेंड टाकाबा को बोल रहा था कि मैं कॉमेडी छोड़ रहा हूँ। मगर टाकाबा उसके फ्रेंड को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा मत करो। और फिर एकदम से टाकाबा के फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है अपने आप को अपने क्लासमेट से कंपेयर करने लगता है कि हमारे क्लासमेट्स के पास अच्छी पोजीशन है वो आगे जाके वर्क करेगी उनकी वाइफ होगी उनके बच्चे होंगे हम यहाँ पर क्या कर रही है कॉमेडी जिसपे कोई हंसता भी नहीं है। और फिर जहाँ पे टाकाबा मेंशन करता है कि मैं बहुत ही अकेले रहा हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी में आया मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए क्योंकि मैं उनको हंसाता रहता था और मैं बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे मगर मुझे कभी भी अपनी लाइफ में एक पार्टनर नहीं मिला। और फिर टाकाबा बताते कि मैं चाहता कि लोग मुझे जाने क्योंकि लोग अगर मुझे जानेंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा फनी समझेंगे और इसके चक्कर में अकेला फील नहीं करूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में किड टाकाबा और एडल्ट टाकाबा दिखाया जाता है जहाँ पर किड टाकाबा एडल्ट टाकाबा से पूछता है कि तुम्हें कॉमेडी करना है क्या और तुम कर क्यों रहे हो। और फिर इसके आंसर में टागाबा कहता है कि अगर मैं कॉमेडी करूंगा तो लोग मुझे बेहतर जानेंगे। और फिर हम वापस से रियलिटी में आ जाते हैं जहां पर हम देखते हैं केंजाकू टागाबा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मगर फिर हम देखते हैं टागाबा केंजाकू के आगे अचानक से झुक जाता है और ये देख के केंजाकू हैरान रह जाता है और उसके वर्ड्स होते हैं इट्स सो ब्यूटीफुल जो उसके डायरेक्ट हार्ट से आ रहे होते हैं। और टागाबा बोलता है आई एम सो सॉरी। टागाबा केंजाकू से माफी मांग रहा होता है। टागाबा केंजाकू कहता है मुझे माफ करना मेरे जोक्स दूसरे के लिए तो फनी है मगर तुम्हारे लिए नहीं है और मैं अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मेरा मकसद ये कि अगर यहाँ पर 100 लोग खड़े होंगे उनमें से 99 लोग भी हंसेंगे और एक नहीं हंसेगा तो अभी मैं फेल हो जाऊंगा। मैं 100 में से 100 लोगों को हंसाना चाहता हूँ। और जहाँ पे टाकाबा केंजाकू को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें हंसा करूंगी तुम्हारे हंसते से पेट थक जाएगा। और फिर केंजाकू हंसते हुए बोलता है तुम सच में ऐसा कर सकते हो। और फिर टाकाबा की कर्स टेक्निक एकदम से काम करने लगती है और वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके लिखता है वाकू वाकू इसका मतलब है एक्साइटेड और वो ये केंजाकू के फेस पे लिखता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और मुझे बताया ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चैप्टर था क्योंकि बहुत सारे लोग गोजो का कमबैक का वेट कर रहे हैं या सुगुना वर्सेस यूजी की फाइट का। तो यार इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।